जो उनकी अल्लाह इश्तियाक आंखें बिछा दी हमने जहां तक नजर गई इस नायाब मुलाकातों के बेहतरीन प्रोग्राम में आप तमाम खातिन का खैर मकदम करती हूं आपकी बेकरारी से हम वाकिफ हैं यकीन मानिए बेकरार हम भी हैं और बेकरार आप भी कुछ आया जहन में जी आज हम मुलाकात कर रहे हैं मशहूर नगमा निगार शायर कवि जनाब रामभाव राय से जी मैं सच कह रही हूं ये हैं रामभाव राय जिन्हें आवाम इंदिवर के नाम से जानती है इंदिवर ऐसा इंसान जिसने मल्हार का राग छेड़ा तो पारस मणि की अहमियत का एहसास दिलाया कस्मे वादे प्यार वफ़ा के मायनों से रूबरू कराया तो जिंदगी के फलसफे को अलग ही अंदाज़ में बयां किया मैं जब शुरू में स्टडी कर रहा था हिंदी की तो इन्हीं बच्चन साहब ने हिंदी को कब सम्मेलनों में मुशायरों की तरह पॉपुलर किया सब जीवन मेरा बीत गया एक जीने की तैयारी में सब जीवन मेरा बीत गया एक जीने की तैयारी में बच्चन साहब की फैन एक लड़की थी जो मेरी भी फैन थी उसने मुझे सुनाया मुझे आज तक याद है थे बैठे भगवान हृदय में मुझको देर हुई निर्णय में उन्हें देवता जाना जो थे कुछ भी अधिक नहीं पाहन से मैंने खेल किया जीवन से तो वो मैंने सुनाई कल्याण भाई को कि कल्याण भाई इस पर आप बनाइए वो था तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए तुम छू लो मेरा प्राण अमर हो जाए तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए तुम छू लो मेरा प्राण अमर हो जाए कल्याण भाई ने ट्यून भी बनाई फिर बाद में उन्हें ख्याल आया कि वो तो पर वो फिल्म में रिकॉर्ड करने के लिए वो तो अलाउ भी नहीं करेंगे पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि एक जयदेव जी जो थे उन्होंने उनकी रुबाइयों की बहुत अच्छी तरह से मनाई थी बहुत अच्छे वो जो है ना कंपोज किए थे लेकिन उन्हें शायद परमिशन नहीं दी गई तो ये बात थी तो फिर मैंने कहा अब तो फिर फिर बेकार हो जाएगा तो कल्याण भाई बोले भाई तुम कुछ करो तुम्ही कुछ इसको मैंने कहा मैं एजिट तो नहीं रख सकता हूँ उनका उनका मुखरा के मैं अपने ये तो मैं नहीं कर सकता वो तो बहुत महान कवि है और बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनका फैन हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी भी चीज़ ओरिजिनलिटी आ जाए डिग्निटी इंटीग्रिटी मेरी बची रहे और गाना पॉपुलर हुआ तो मैंने गाना लिखा इंदिवर साहब इंदिवर साहब के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो बेहद संजीदा इंसान थे वही दूसरी तरफ मस्त मौला इंसान एक ऐसे इंसान जिन्हें वक्त के गिरेबा में झाँकना आता था जो वक्त की नब्ज और नज़ाकत को पहचान कर आगे का रास्ता बनाते चले गए अब रही वो शंकर जय किसन वाली बात मैं उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ मनोज जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो वो पहचान में आया न मुझको प्यार जताना प्यार तुम्ही से करते हैं भोलापन तेरा गया हमको सादगी पर तेरी मरते हैं ये गाना हुआ और दूसरा भी एक थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा फिर इसके बाद हम लोग अपना बप्पी के साथ बिजी हो गए राजेश रोशन के साथ बिजी हो गए और अपना कल्याण भाई के साथ तो बिजी हो गए उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इंदिवर को थोड़ा सा भी जाने दिया इधर उधर तो मेरे हाथ से वो ये चला जाएगा तो बोले तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं तुम मेरे साथ ही काम करो बस तो हमने बहुत ज़्यादा काम कल्याण भाई के यहाँ किया सवेरे दस बजे से लेकर रात को दो बजे मुझे छोड़ते थे वो और सौ रुपये देते थे और सौ रुपये में नाइन्टी रुपीज़ की किताब लेता था और दस रुपये अपना होटल में खाना पिक्चर देखना कल्याण जी के साथ सरस्वती चंद्र एक पिक्चर मुझे मिली इसमें कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे ये पिक्चर दिलाने में नहीं तो किसी और को ये पिक्चर जा रही थी उन्होंने कहा भाई इंदिवर कवि है और ये बेसिकली इस उपन्यास का लेखक जो है गुजरात का बहुत बड़ा कवि और गीता की तरह है ये हिंदी से ही लिखवाया जाए और जो वो लिखेगा वो हम उसकी ट्यून बनाएंगे इसकी जो है ना पहले कवित्व तो, यानी इसकी कविता जो है ना वो महत्वपूर्ण चीज़ है और पहले कविता लिखवाई जाए मैंने लिखे उस पर चंदन सा वदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवा लो हो जाऊँ अगर मैं दीवाना ये काम कमान भवें तेरी पलकों के किनारे कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना ये विशाल नयन जैसे नील गगन पंछी की तरह खो जाऊँ मैं कल्याण जी भाई ने कि भी अच्छी बनाई इसकी और उन्होंने मुझे लिखने दिया उनको ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने सब लोग कहते थे भाई ये क्या है ये पूरा कविता जा रही है बोले नहीं भाई हमें कविता ही चाहिए इस पिक्चर के लिए और मेरा विश्वास देख के कि ये डेफिनेटली चलेगी कविता हो कितनी भी मुश्किल ज़बान क्यों ना हो मजरू ने भी कई मुश्किल चीज़ें लिखी हैं और चलें साहिर ने भी कई मुश्किल चीज़ें लिखी लोगों ने सीखने के लिए भी उसको याद किया फिर उसके बाद वो छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए कल्याण भाई बोलते थे कि भाई मुनासिब लफ्ज़ यार मुनासिब कहाँ से आ गया ये हिंदी का वहाँ गुजराती हिंदी का बड़ा भारी पोइट जैसा समझिए आप उसको आप इसका मुनासिब के लिए कोई मैंने कहा भाई इसके लिए कोई हिंदी का लफ्ज़ ठीक नहीं है ये मुनासिब मैं उचित तो लिख नहीं सकता उपयुक्त लिख नहीं सकता ठीक लिख नहीं सकता मुनासिब ही हमारे यहाँ यूपी में मुनासिब बात है ऐसा बोलते मुहावरा भी है फिर बड़ी मुश्किल से कल्याण जी माने और वो गाना टेक हुआ गीत सुनकर कई लोगों ने आत्महत्या करना बंद की और मुझे बहुत विदेशों से भी चिट्ठियाँ आती हैं इसके लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए अब वो जब भी रिकॉर्ड होता है जब भी बचता है कहीं तो मुझे सौ रुपये देते इंदिवर साहब के जिंदगी के फलसफे जब नगमों के शक्ल में आवाम तक पहुंचे तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के फलसफे बन गए गोया कि ये उन्हीं के दिल की आवाज हो जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं चलते हैं सब मगर है ये कैसी जगह कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं आ, ए, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं जिनको खिलने से पहले खिसा खा गई ऐसे जीवन भी हैं जो जिए भी नहीं जिनको जीने से पहले न, ही मौत आ गई थक गए चारा घर है परेशान नज़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं तो, कहने का मतलब है कि सेंट पॉल की अगर कहा जाए तो एक सेंटेंस लाइफ इज टू लिव नॉट टू अंडरस्टैंड क्योंकि एक चीज को समझने में आपका सारा जीवन व्यतीत जाए और इसने अपने वो भी कहा उसने लॉन्ग फेलो ने कहा आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्ली थिंग इन दर्ल्ड वर्ल्ड फील्ड ऑफ बैटल डोंट बी डम्ब ड्रमन कैटल बी ए हीरो इन दिस ट्राइफ लॉन्ग फेलो ही ने कहा डोंट ट्रस्ट फ्यूचर हाउ एवर प्रेजेंट लिव इन लिविंग प्रेजेंट बस दिस इज द लाइफ लिव इन लिविंग प्रेजेंट फिल्मों में इंदिवर साहब के करियर का आगाज हुआ 1946 में आई एक फिल्म डबल फेस से बतौर नगमा निगार मगर उन्हें मकबूलियत हासिल हुई 1951 में आई फिल्म मल्हार के गाने से जिसने सुनी गलियां आबाद कर दी मेरे एक दोस्त साथी और जिन्हें मैं दिल ही दिल में गुरु मानता था मल्हार से हम दोनों का साथ हुआ वहीं से मेरी फिल्मी लाइफ शुरू हुई बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम उसी में एक लाइन थी मेरी नैया को किनारे का इंतज़ार नहीं तेरा आँचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं इसमें मैंने पतवार की दरकार लिखी थी हिंदी के हिसाब से उन्होंने मुझे चुपके से अकल अक, अकेले में ले जाकर कहा हिंदीवर तू भी कर दे दरकार की की जगह भी कर दे और तू क्या समझता है दरकार माने क्या मैंने कहा हिंदी वाले तो ज़रूर समझते हैं दरकार भरत व्यास का मैंने वो मुखड़ा सुनाया ज़िंदगी भी एक मोटर कार है उसको भी एक ड्राइवर की दरकार है इसीलिए मैंने लिख दिया मेरी नैया को किनारे का इंतज़ार नहीं तेरा आँचल भी हो तेरा आँचल हो तो पतवार की दरकार नहीं बोले नहीं दरकार माने चाहिए तो, तो भी को निकाल के की को निकाल के भी कर दे और मैंने उनके पाँव छू लिए अकेले में ले जाकर उन्होंने मुझे इतना बड़ा सबक जबान का कॉन्शस कर दिया सबसे मैंने फिर उर्दू, पर्शियन, अरबी इस बहुत पढ़ी गीत हो या गजल नज़्म हो या कविता सभी को बहुत ही आसान लफ्जों में बयान किया इंदिवर साहब ने और उर्दू शायरों से अलहदा नजर आए निखालिस उर्दू मुशायरों में हिंदी को जो इज्जत बख्शी गई उसकी वजह भी काफी हद तक जनाब इंदिवर साहब ही रहे इनकी मौजूदगी में मुशायरों का जो समा बनता था फोकस फिराक जान सारा अख्तर उजान भी सरदार जाफरी उत्साही, बहुत बड़े बड़े फ़िराक़ गोरखपुरी तक बड़े बड़े तक लोग जो हैं हम सेकंड जबान बिहार की उर्दू हो इसके लिए हम सब लोग गए बड़ी हम लोगों ने अपनी नजमें सुनाई सबसे कम ताली जब मैं खड़ा होता था तब बचती थी और जब मैं ख़त्म करता था अपनी शायरी सबसे ज़्यादा ताली मुझे मिलती थी मैं उनसे कहता था कि मैं आप लोगों से बड़ा शायर नहीं हूँ लेकिन मेरी ज़बान मिली जुली ज़बान है हिंदी उर्दू जो लोगों की समझ में आती है फिल्म में चूँकि उर्दू छाई हुई है इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान में उर्दू इतनी आसानी से समझी जाती है किसी भी प्रांतीय भाषा को ले लीजिए आप मराठी गुजराती तेमिल तेलुगु कन्नड़ सिंधी इवन पंजाबी सब में संस्कृत से बिगड़े हुए लफ्ज़ हैं जो हिंदी में भी हैं अगर उर्दू का राइटर सफल होना चाहता है तो उसे हिंदी का भी पुट देना चाहिए अगर हिंदी वाला सफल होना चाहता है तो उसे उर्दू का थोड़ा सा पुट देना चाहिए कोई भी एक जबान के बल पर नहीं चल सकता दुनिया में ये हमेशा से होता रहा है कि जो लोग प्रोड्यूसर होते हैं या जो लोग बाजार में बिकते हैं उनकी जो जबान है वो अपनी सारी जबान पूरे देश पर लादना चाहते हैं ऐसा नहीं है कामयाबी के लिए हमें जनता की जबान तक जाना है और जनता की ज़बान मिली जुली हिंदी है उर्दू भी है उसमें थोड़ी सी है लेकिन ये सोचना कि चूँकि शहरों में थोड़ी सी उर्दू ज़्यादा जानते हैं इसलिए पूरे इंटीरियर में पूरे देश के प्रांतों में उर्दू ज़्यादा समझी जाएगी ऐसी बात नहीं है मैं उर्दू के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं तो उर्दू मैंने खूब ख़ुद पढ़ी है पर्शियन पढ़ी है अरबी पढ़ी है ताकि मैं अपनी भाषा को अपनी शायरी को इनरिच कर सकूँ उर्दू से अरबी से पर्शियन से इसलिए मैंने पढ़ी कवि सम्मेलनों मुशायरों में जबानों का हाल देख कर मैंने एक अपनी ज़बान का स्टाइल बनाया स्टाइल बनाया और फिल्म के गीतों का भी मैंने एक डेफिनेट रुख मोड़ा एक हिंदी उर्दू मिली हुई ज़बान की तरफ उर्दू से मुतासर हो के काफ़ी हमारे कैप साहब जो उस हमारे उस्ताद बन गए थे तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं तू जो बढ़ा दे हाथ ज़रा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं आने वाली कल की तुम तस्वीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो तो इस तरह के गीत लिखते रहे ये सब गीत जो पहले थे वो मदन मोहन के साथ थे रोशन जी के साथ थे फिर कल्याण जी का दौर आया वो हिंदी नुमा गीत फिर लिखे उसमें मैंने ये प्रूव करने के लिए कि हिंदी ज़्यादा समझी जाती है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे यहाँ तक कि मुकेश जी को बोलने में भी तकलीफ होती थी प्रिय वो कहते कैसे चलेगा हिंदी पर मैंने कहा ये चलेगा मुकेश जी ने अट्ठासी बार ये गाना ओके किया रिकॉर्डिंग चल रही थी मैं इतना खुश हो गया जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई सबको सौ सौ रुपये में दिया